नमस्ते। आज हम देखने वाले करंट अफेयर हिंदी में 26 अप्रैल 2020। उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड मीन्स NSB का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है मालिनी शंकर। NSB मीन्स क्या है? नेशनल शिपिंग बोर्ड। राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड मुख्यालय नई दिल्ली में है। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 का विषय क्या है? इसका सही उत्तर है वैकेंसीज वर्क फॉर ऑल मीन्स टीके सभी के लिए काम करते हैं। हर वर्ष अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह के विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है और इसे इस साल विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बीच मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी उम्र के लोगों को बीमारियों से सुरक्षित करने के लिए टीकों का उपयोग को बढ़ावा देना है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिन मनाया जाता है। वर्चुअल अदालतों की सुविधा वाला कौन सा पहला राज्य बना है? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। कोरोना महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई के बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालती कार्रवाई को सुगम बनाने के लिए पहल की है। उत्तर प्रदेश सॉफ्टवेयर आधारित वर्चुअल अदालतों वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं और विधानसभा में 404 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश है नेपाल। उत्तर प्रदेश की राज्यों का 8 सीमा लगती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दे तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली पूर्ण तरह राज्य का प्राप्त दर्जा नहीं हुआ है। किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के बीच बच्चे घर बैठे पढ़ाई कर सके, इसलिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने छात्रों के लिए संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड राज्य राजधानी देहरादून, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन। स्थापना 9 नवंबर 2020। उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश है तिब्बत में चीन और नेपाल। भारत का सबसे बड़ा ऊंचा बांध टिहारी बांध है जो भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नंदा पर देवी पर्वत यहाँ उत्तराखंड में स्थित है। चित्तो आंदोलन जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया है वह यह उत्तराखंड में हुआ था। किस राज्य ने COVID-19 के कारण 2020 में अपना अंबुवाची मेला रद्द किया है? इसका सही उत्तर है आसाम। अंबुवाची मेला असम की राजधानी गुवाहाटी में कामाख्या देवी के मंदिर में मनाया जाता है, लेकिन कोरोना वायरस की महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान इसे रद्द कर दिया गया है। असम राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, गवर्नर जगदीश मुखी। असम उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा है। असम के 2 पड़ोसी देश है भूटान, बांग्लादेश। हाल ही में किसने नाना देशमुख गौरव ग्राम पुरस्कार जीता है? सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में नाना देशमुख
गौरव ग्राम पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार ग्राम पंचायत क्षेत्रों से सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए बेहतर काम करने पर राज्य स्तर पर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और वर्तमान में भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू है। किस देश ने WHO को $30 मिलियन अनुदान सहायता देने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है चीन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना 7 अप्रैल 1948, मुख्यालय जिनोवा स्विट्जरलैंड, अध्यक्ष ट्रोडिस एंड्रोनॉन। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मेकमोहन रखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांत्ज़ी है और एशिया की सबसे लंबी नदी इसका लंबाई 6300 किलोमीटर है। चीन जनसंख्या के दृष्टि में विश्व से पहले स्थान पर है। राजधानी बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी, युआन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग। #MyBookMyFriend अभियान का शुभारंभ किसने किया है? इसका सही उत्तर है MHRD। कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान छात्रों को पढ़ाने की आदत बनी रही, इसलिए माई बुक माई फ्रेंड अभियान शुरुआत हमारे देश ने किया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरिया निशंक ने शुरू किया है। MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्थापना 1985 मुख्यालय नई दिल्ली। हाल ही में बेटर ब्लीच कप 2020 किसने जीता है? इसका सही उत्तर है अलरिजा फिरोज। ईरान के शतरंज खिलाड़ी अलरिजा फिरोजा ने नॉर्वे के मैग्जनस कर्लस को हराया है। भारत में शुरू लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज किसने शुरू की है? इसका सही उत्तर है यूनोडीसी। यूनोडीसी ने लॉकडाउन लर्नर सीरीज का शुभारंभ किया है। एजुकेशन फॉर जस्टिस के अंतर्गत किया गया है। भारत के अध्यापक और छात्रों को संबोधित करने के लिए यूनोडीसी ने लॉकडाउन लर्नर सीरीज शुरू की है। यूनोडीसी मीन्स यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय, स्थापना 1997, मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया। किस देश में भारतीय उच्च आयोग ने व्यापार संवर्धन पर वेबिनार का आयोजन किया है? इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश में स्थित भारतीय उच्च आयोग और भारतीय बांग्लादेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मीन्स IBBCI ने संयुक्त रूप से व्यापार संवर्धन पर एक वेबिनार का आयोजन किया है। बांग्लादेश राजधानी ढाका, करेंसी टक्का, प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सभी लंबी बाउंड्री बनाता है। इसी की लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है। पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। हाल ही में कहा पर सर्वत सीनियर्स इनोवेशन हेल्पलाइन का शुभारंभ हुआ है? इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। इस हेल्पलाइन का उद्देश्य लॉकडाउन में अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को मदद करना, जो इस संकट की घड़ी में दवाई या किराना का सामान और अन्य ज़रूरत सामान लेने से असमर्थ है। mCOVID मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है मिजोरम। जो ट्रक ड्राइवर ज़रूरत का सामान लेके जाते हैं
उनको एम्प्लॉयड मोबाइल ऐप के जरिए ई पास जारी किया जाएगा और परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए यह ऐप लॉन्च किया है। मिजोरम की राजधानी आइजोल, मुख्यमंत्री जोरमथांगा, गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई। मिजोरम उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी है, मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा। मिजोरम के 3 पड़ोसी राज्य हैं मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा। मिजोरम के 2 पड़ोसी देश हैं म्यांमार और बांग्लादेश। किस देश में द वर्ल्ड गेम्स 2022 की अधिकारन लोगों का अनावरण किया गया है? इसका सही उत्तर है 2000 अमेरिका। वर्ल्ड गेम 2022 के अधिकारिक लोगों का अनावरण अमेरिका के बर्मिंगहम में किया गया है। पहले यह गेम जुलाई 2019 में होने थे, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसको रद्द कर गया है और यह 2022 में होंगे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, राजधानी वॉशिंगटन DC, अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। किस राज्य में खुमजोम दिवस मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है मणिपुर। इस दिवस को 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध में लंदन वालों योद्धा को श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष 23 अप्रैल को खुमजोम मनाया जाता है। राजधानी इम्फाल, मुख्यमंत्री एम बीरेन सिंह, गवर्नर नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर के 3 पड़ोसी राज्य है आसाम, नागालैंड और मिजोरम। मणिपुर की लोकसभा सीटें 2 है, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 60 है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। केबुल लामाजाओ नेशनल पार्क भी मणिपुर में स्थित है। ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए टारगेट गवर्नमेंट जॉब YouTube को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलें। धन्यवाद।